नमस्कार, प्रवीण मंत्र विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रवीण कुमार आज आपको बताऊंगा अप्सरा साधना की सीरीज में तंत्रोक्त नाभि दर्शन अप्सरा साधना। काफ़ी साधकों का सवाल था, गुरुजी आपने साबर मंत्र बताया तो इसका तंत्रोक्त विधि भी बताई। जैसा कि पूर्व में हम पहले भी आपको क्लियर कर चुके हैं, एक ऐसा मंत्र है जिसमें आप सभी प्रकार की अप्सराओं को एक ही मंत्र से सिद्ध कर सकते हैं। उस तंत्रोक्त विधि में सिर्फ आपको अप्सरा मंत्र में जिस भी अप्सरा की आपको साधना करना है उस अप्सरा का नाम जोड़ना होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपकी इसी वीडियो की सीरीज आपके मोबाइल में सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें। काफ़ी दिनों के बाद साधनाओं की चर्चा की जा रही है तो अप्सरा साधना क्या होता है? देखो, साधक बहुत उत्साह से करते हैं, पूरे लगन से करते हैं, परंतु उनको कहीं ना कहीं या तो दिमाग में नकारात्मक सोच आ जाती है या फिर किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में रहने की वजह से उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। अप्सरा साधना करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। किसी भी तरह आप अप्सरा साधना को अगर जीवन में सिद्ध कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आपको कभी असफलता का हाथ ही पकड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अप्सरा साधना स्वयं सिद्ध होना चाहती है। अप्सरा स्वयं ये चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से सिद्धि मिले, साधक जो करता है उसको लाभ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण होता है गलत लोगों को संपर्क में आना या फिर हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाना। हर बार हम आपको बताते हैं साधनाओं में रुचि रखना और साधना को करना दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है। अगर आप रुचि रख कर करेंगे तो फायदा होगा, और सिर्फ आप किसी जोश जोश में करके उसको छोड़ दोगे तो एक तो यह साधनाएं भी गलत मानी जाएगी और आप असफल भी हो जाएंगे। अप्सराएं बहुत ही निम्न स्तर से स्टार्ट होती है, कह सकते हैं कि हर साधक को स्टार्टिंग में इन्हीं साधनाओं को चुनना चाहिए जिससे उनको अपने जीवन का एक्सपीरियंस वो ले सकें अगर प्रत्यक्षीकरण साधना करना चाहते हैं। नाभि दर्शन अप्सरा साधना अपने आप में बहुत ही पावरफुल साधना है और यह अप्सरा सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं की गिनती में आती है। आज हम इसी अप्सरा की साधना के बारे में चर्चा करेंगे। समझते हैं पहले इसमें सामग्री कौन कौन सी आपको आवश्यक हो। हर अप्सरा साधना में या तो हकीक की माला लगती है या फिर स्फटिक की माला लगती है। स्फटिक की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं और एक यंत्र लगेगा नाभि दर्शन अप्सरा साधना का, लेकिन वो लगेगा तंत्रोक्त वाला। तंत्रोक्त नाभि दर्शन अप्सरा यंत्र, माला और एक गुटिका, ये तीन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ में जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे मिठाई, गुलाब, गुलाब के फूल या इत्र हो गया आपका सुसज्जित करने के लिए। अपने आप को कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि धोती कुर्ता पहने, कोई सा भी कपड़ा आप अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। साथ में आपको दीपक लगाना है, घी का लगाना है, दाहिनी तरफ पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करना है, एकांत कमरे में रहना है। उस साधना के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट मुख्य बात है, इसमें रोज जो साधना होगी वो 10 बजे बाद होगी और 2 बजे रात्रि से पहले होगी। 10 बजे बाद और रात्रि 2 बजे से पहले आपको, इस बीच में कभी भी आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। 11 माला आपको 11 दिन तक रोज करना है, पूरी श्रद्धा भावना से करना है, मन को नहीं भटकाना है। अगर मन भटकेगा, आप साधना का मंत्र जप करेंगे लेकिन मंत्र का प्रभाव नहीं होगा अगर आप उस माला को जपते समय आपका दिमाग कहीं और होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्सरा का चित्र रख के उस पर ध्यान भी करें, साथ में मंत्र की उच्चारण भी करें, ये बहुत ही जरूरी है। तो यह साधना शुक्रवार से स्टार्ट होती है, जैसे कि हर अप्सरा साधना होती है, या फिर आप इसको पूर्णिमा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रिय साधकों, साधना बहुत सरल है, मंत्र हम बता देते हैं आपको। ओम लिंग एंग नाभि दर्शनाय अप्सराय आगच्छ आगच्छ ह्रीं ऐं नमः। इस मंत्र को आपको
11 माला 11 दिन तक रात्रि में आपको करना है। साधना प्रारंभ से पहले अगर आप तंत्र जागरण साधना अगर कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसका वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको उसको ढूंढने में ज़्यादा समस्या ना हो। साधना सामग्री की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मार्केट में कहीं और अच्छे संस्थान से मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो पहले आप हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पहले से इसका ऑर्डर ज़रूर दे दें, क्योंकि यह चीज़ें हम सिर्फ जो व्यक्ति साधना करता है उसके नाम से प्रतिष्ठित करके उसी के लिए बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई दुकानदारी नहीं है कि हम हर का बना के स्टॉक में रखे हैं, जब चाहे आप मंगा लें। आपको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है, अप्सरा सामग्री चाहिए महीने महीने तक उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि सही मुहूर्त नहीं आएगा हम अप्सरा साधना आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। या तो आप पहले ऑर्डर, क्योंकि बहुत कम मात्रा में बनती है, 10-12 ही मतलब अच्छे मुहूर्त पे 10-12 यंत्र ही प्रतिष्ठित हो पाते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा एक यंत्र और माला को प्रतिष्ठित करने में लगता है। हालांकि ये बात अलग है कि मार्केट में बहुत सारी अप्सरा साधना की किट बिकता है, अब हमको नहीं पता वो कैसे प्रतिष्ठित करते हैं और कौन से मुहूर्त में करते हैं हम नहीं जानते। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, 4 पर्वों की 4 रात्रि होती है। इसके अलावा कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं होता जिसमें अप्सरा साधना के यंत्र या माला को प्रतिष्ठित किया जाए। 4 गुप्त नवरात्रि आती है साल में और 4 पर्वकाल आते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा अच्छा मुहूर्त नहीं है जिसमें इस यंत्रों को सिद्ध किया जा सके। तो प्रिय साधकों, पहले से आप इसकी तैयारी करें। चैत्र नवरात्रि आ रही है, अगर आपको चैत्र नवरात्रि में अप्सरा साधना करना है तो आपको पहले से माला, यंत्र और गुटिका और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था आपको कर लेना चाहिए। एकांत कमरे की व्यवस्था कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र 1.25 लाख जप किया होना चाहिए, उसके बाद ही आप इन लाइन में आएँ। और तंत्र जागरण अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही इंद्र स्थापना इसमें अनिवार्य है, इंद्र स्थापना अवश्य करें। तत्रोक्त साधना है, 5 साल के लिए वैलिड है, लेकिन 5 साल भी मेरे मित्रों बहुत होता है। 5 साल आप किसी दिव्य आत्मा के अलौकिक शक्ति के साथ रह लिए तो आपका 5 साल में ही जीवन धन्य हो गया। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ 5 साल के लिए है, 5 साल भी बहुत है। और साबर मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र ये बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं वैदिक मंत्रों की तुलना में। वैलिडिटी कम है लेकिन त्वरित फल देने वाले हैं। एक बार ट्राई करें, जरूर करें जीवन में। एक बार में सफलता ना मिले, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेशन अगर अंदर है तो वो हमेशा वैसा ही बना रहना चाहिए। अप्सरा पहली बार में ही सिद्ध हो जाती है, प्रत्यक्ष हो या ना हो, लेकिन आपको फल देना चालू कर देगी। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए मैं प्रवीण कुमार आपसे विदा लेना चाहूँगा। किसी प्रकार की सहायता के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा सेवाएं दी जाती है, उन सेवाओं का आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।